कभी रायबरेली आए हैं राहुल? कभी रायबरेली आते हैं? आएंगे। 10 साल बाद आए हैं, 10 साल बाद चुनाव जब आए हैं तो वोट लेने के लिए आए हैं, घंटा ले लिया आपकी। अब बारामंकी पहुंचाएंगे, अब बारामंकी पहुंचाएंगे। अरे रायबरेली की बात चल रही, रायबरेली लेके चले गए 40 फैक्ट्री रही सब कांग्रेस के, बेच के सब चले गए। योगी बाबा के जब से सरकार आई है सारे सपाई के गुंडे ये इस सड़क पर शाम का 5 बजे सब चाइना चीनत रहे हैं। मोहब्बत की दुकान वाले झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं और आपसी झगड़े भुलाए बैठे हैं। हटे मोदी तो फिर लूट खाए देश को, सारे चोर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। गुंडे सब बिल में घुस गए, गुंडे सब बिल में घुस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। रायबरेली वो लोकसभा बन चुकी है अब जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अमेठी की चर्चा हुआ करती थी, रायबरेली की हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त अमेठी से ज़्यादा रायबरेली की चर्चा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा है, वहीं स्मृति ईरानी भाजपा से है, तो यहां दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी का आमना सामना ये मुकाबला है। लेकिन यहां के लोगों से जानेंगे क्योंकि जब तक पुराने समय से ये सीट कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर रही, गांधी परिवार पे ये पूरी तरीके से सीट रही, क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ, सोनिया गांधी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा और अब यहाँ की जनता इस पूरे चुनाव को कैसे देख रही है। आप बताइए भाई साहब, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं या लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ से जिताएंगे तो आप लोग खुश हैं क्योंकि एक वो चेहरा आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं? भैया 15 साल से मैं यही क्षेत्र का सभासद हूँ, मेरा नाम रामखिलौन बारी है। 15 साल के अंदर अगली बार चुनाव सोनिया गांधी जी चुनाव जीती थी यहाँ से। चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट तक लेने वो नहीं आई है, उनका एक नौकर सर्टिफिकेट लेके गया है और जो सर्टिफिकेट लेके लेने के जिसके पास समय नहीं है वो रायबरेली का विकास क्या करेंगी? 5 साल में जिनका बजट 10-10 करोड़ रुपए रायबरेली से बजट वापस चला गया हो, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पाया तो वो रायबरेली का विकास क्या करेंगे भैया? अब जनता समझ चुकी है राहुल गांधी करेंगे रायबरेली का विकास। गांधी तो और नहीं कर पाएंगे, राहुल भैया करेंगे, भेजा है मम्मी ने। पहले ये बताओ ये बायनाड जाएंगे यहाँ जाएंगे रहेंगे, पहले ये तय करें। दो सांसद मिलेंगे, दो सांसद नहीं बायनाड यार दीदी सांसद मिलेंगे। प्रियंका दीदी कोई हरा नहीं पाएगा, एक नौकर हरा पाएगा। प्रियंका दीदी सांसद मिलेंगे यहाँ पे, एक नौकर की औकात नहीं रायबरेली वहाँ से हरा ले जाना उनको। उसकी औकात नहीं वहाँ हरा ले जाना। स्मृति ईरानी राहुल जी आ चुके वहाँ से, स्मृति ईरानी ने राहुल जी को हराया वहाँ से, तो ये क्या हरा पाएंगे उनको? रायबरेली भी हार रही सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही है। कमल खिलेगा इसमें दो राय नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल 100% है ऐसा, क्या मोदी जी ने कर दिया कि आप कह रहे हैं कमल खिलेगा? मोदी जी रायबरेली का विकास, रायबरेली के चौहत्ती विकास, जो कानपुर जाने में 5 घंटे लगते थे आज कानपुर जाने में 2 घंटे लगते हैं भैया हाईवे से। आप रायबरेली के चौथ अब देख लीजिए आप, NH हाईवे पुल सारी व्यवस्था तो कर रखी है मोदी जी ने। अरे तो एक बात तो बताइए भैया, राहुल गांधी को जिताएंगे तो राहुल भैया सीधा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है क्या? यहाँ से जीत के उसके बाद 5 साल यहाँ आएंगे नहीं, 5 साल यहाँ नजर नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं रहा। आप समझिए ये सिर्फ चुनाव लड़ने के समय 5 दिन के लिए आए हैं, 20 तारीख के बाद इनको आप ढूंढ नहीं पाएंगे भैया। आप चैलेंज कर रहे हैं कैमरा को? 20 नहीं ढूंढ पाएंगे, 20 तारीख के बाद नहीं ढूंढ पाएंगे 100% ना। दो गवाह खड़े हैं यहाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, अरे ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं। 17 सीटों से लड़के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा के गुंडे जो है बंदूकें लेके यहाँ चलते थे, गुंडा राज योगी जी ने खत्म कर दिया है। मोदी जी का देखिए घर घर राशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है। आपको पता है कि नहीं कहाँ से रहते हैं? दिल्ली से। आपको पता है यहाँ के बाद था यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बहुत कुछ था यहाँ, यहाँ क्या नहीं था? यहाँ क्या नहीं गए वो गुंडे? अब गुंडे भाग गए यहाँ से, अब योगी के बुलडोजर से डर गए। गुंडे सब बिल में घुस गए, गुंडे सब बिल में घुस गए। योगी बाबा के जब से सरकार आई है सारे सपाई के गुंडे ये इस सड़क पर शाम का 5 बजे सब चाइना चीनत रहे हैं। और जब से बाबा आए तब से बिलमा घुस रहे हैं और जब रैली हो सपा बसपा का तो वही गुंडे और हो उल्ला मचावत है। अरे वो तो कह रहा राहुल भैया यहाँ से जीतेंगे, 24 में मोदी टाटा बाय बाय, 27 में योगी टाटा बाय। राहुल बाबा जितबे न कर धोखा दे आए हैं बायनाड और रायबरेली में, एक लेना एक का तो धोखा देना रायबरेली जनता जान गई है। धोखा नहीं होगा इस बार, एक एक बूथ से
भारतीय जनता पार्टी 50-50 वोटों से जीत रही है, 50-50 वोटों से, एक एक बूथ से। इस बार पता लग जाएगा इनको कि रायबरेली जनता इंदिरा जी को हराया था, इस बार राहुल गांधी को हरा के बायनाड में खेलेंगे। उनकी बीवी कह रही है भैया को मम्मी ने भेजा है, जनता प्यार करेगी, सम्मान करेगी, वोट करेगी। दीदी भैया में खुदा लड़ाई चल रही है, आपका पता नहीं सर? हाँ। दीदी भैया में लड़ाई है, उनके जीजा भी लड़ रहे हैं, जीजा जी जीजा भी लड़ रहे हैं उनके। हाँ। कह रहे हैं हमको बनाओ कहा राज्यसभा। और एक सर और बात बता दे, इस बार ये जो रायबरेली का प्रतिनिधि अमेठी गया लड़ने, ये सबसे बड़ा बेईमान है, पूरी रायबरेली का बेल खाई। 27 राज्यसभा सांसदों का प्रतिनिधि रायबरेली में सांसद निश्चय पैसा आया था, ऑन रिकॉर्ड, आप जाके चेक करा लीजिए। और सबसे कमीशन लेकर के पंजाब में वहां सब फैक्ट्रियां खोल लिया, लुधियाना इसे राहुल के केस। अरे सर सुन लीजिए, इसीलिए कांग्रेस का इसको बल का बकरा बनाया गया अब की बार। हाँ। के ये जो केएल शर्मा है, इसको कांग्रेस ने बलका बकरा 4 लाख वोटों से हारेगा वहाँ है। लेकिन प्रियंका दीदी कह रही है मेरा भाई जीतेगा। अरे प्रियंका राहुल से पहले जीत लिए, वहाँ घमासान। उनकी माता जी कह रही है कि राहुल हमारा लड़का, विरासत हमारी, बिटिया कहाँ हमारी। हाँ। पहले घर का सामान है, पहले लड़ ले तो यहाँ रायबरेली जनता लड़ी है। कह रहे भाई साहब की लड़ ले तो रायबरेली की जनता जब तक सुनेगी। सही कहते हैं, जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। हाँ। उस मोहब्बत की दुकान में कौन कौन है उनके साथ? हाँ। जितने देश के बेईमान, भ्रष्टाचार, लुटेरे, निकम्मे, लीकर, वो सब हैं, उनके लिए हम 4 लाइन की कविता बनाए हैं। ताली बजा दो। मोहब्बत मोहब्बत की दुकान वाले झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। हाँ। और आपसी झगड़े भुलाए बैठे हैं, हटे मोदी तो फिर लूट खाए देश को। हाँ। सारे चोर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, चोरों की मंडली है, गुंडों की मंडली है। और यहाँ रायबरेली में तो समाजवादी गुंडों की मंडली है, उसी में वो घिरे हुए हैं। अब इमोशनल कार्ड खेल खेल के दीदी चाहे जितना कहाँ है, अब भैया तो पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। अरे वो नेता है, नेता नहीं है। हाँ। वो तो अब हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक कहानी मैं आपको सुना दूं। हाँ। एक जंगल में शेर, हाँ, एक जंगल में एक शेर था, वो राजा था, और अपना शिकार कर लेता था, पकड़ पकड़ के लोगों को खा जाता था, जानवरों को खा जाता था। लोगों ने बुलाया, कहा कि राजा चेंज कर दिया जाए, तो राजा एक बंदर को बना दिया गया। अब बंदर जब बन गया तो शेर ने फिर पंजा मारा, शिकार ले गया, तो सारे जानवर गए उनके पास कि राजा जी कुछ करिए, राजा जी कुछ करिए। राजा जी गए और जो मांग के पास जाके खौखियाए, और उसके बाद एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी से चौथी, कहे कुछ करिए, कहीं मेरी कोई भाग दौड़ में कमी हो तो बताइए। वही हमारे पप्पू का हाल है, कोई भाग दौड़ नहीं है, बस केवल भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको कोई सीरियस देश का लेता नहीं है। हाँ। तो भाग दौड़ मचाए उसी राजा की तरह, जिस तरह जंगल में वो बंदर को राजा बना दिया गया था। हाँ। वो एक डाल से दूसरी डाल उछल कूद मचा रहा था, और बाद में उसने अपनी जनता से कहा मेरी कोई भाग दौड़ में कमी हो तो बताओ। चलिए आखिरी सवाल युवा से करेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए, अरे नाम तो बता दीजिए। अखिलेश सिंह चौहान। अखिलेश सिंह चौहान, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपए महीना का, साल का देंगे, लेना नहीं है क्या? राहुल गांधी खुद ही ले, हमें नहीं चाहिए। हमें मोदी जी राशन दे रहे हैं, सब सारी व्यवस्था अच्छी है, और वो सोना में आलू से सोना निकालें। आलू से सोना बनाने वाले रायबरेली में आए हैं। आलू से सोना यही बढ़िया, तो गले में चैन पहनोगे। अरे सर पहले वो पहन ले तब तो। यह लूटे का लूटन लूटियन गैंग आई है अब की रायबरेली में, लुटियन गैंग। अखिलेश भखलेश सब कहा कर रहे हैं, अब सब एक मंच पे। जब सारे चोर एक मंच पे, तो सामने वाले मंच पे बेहद ईमानदार नरेंद्र मोदी बैठा है। वो क्या कहे मोदी के डर से सारे चोर, लफंगा, बेईमान, लुटेरे सब एक जो है एक मंच पे है। इस बार चुनाव इस मंच पे हो रहा है सर। तो यानी अब की बार 400 बार राहुल भैया गए, 40 न पार कहिए, लिखो। हाँ। 40 कांग्रेस नहीं पार होगी देश में, 40 सांसद से ऊपर नहीं आएंगे, लिख लीजिए। 4 जून को आपको शाम को यही मिलेंगे। 4 जून का इंतजार रहेगा, और 20 मई को यहाँ चुनाव है, और जनता रायबरेली की क्या कह रही है,
क्या बोल रही है, क्या विचार रख रही है और किस मुद्दे पर बटन दबाएगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जी बताइए। महोदय आप चिल्ला रहे हो, यहाँ कुछ बोलना नहीं है, यहाँ केवल जो है कांग्रेस जीत के जाएगी और घंटा ने को उखाड़ पाएगी। देखिए खड़े हैं कोई आए बता तो, यहाँ जो विकास है अगर पूरे विश्व में और पूरे देश इनके साथ आइए, पूरे देश में चर्चा में शामिल होइए। चर्चा में नहीं, हम बता रहे ये सब कांग्रेस ही थे। आज जो अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए आज जो ये तरह घंटा घड़ियाल उठा के बैठे, यहाँ जिसने किया सिर्फ कांग्रेस ने किया है। और आपको बताएं दूसरा विश्व में कोई जनपद बता दीजिए जो कांग्रेस ने यहाँ रायबरेली में नहीं दिया। कांग्रेस ने सब कुछ किया। अरे दिया पूरे देश के, दिया पूरे देश के। 47 साल के बाद से कांग्रेस है, रही पूरे दिन कहा रायबरेली है एक और 12 बंकिम कुछ हुआ है। अब बारामंकी पहुंचाएंगे, अरे रायबरेली की बात चल रही, रायबरेली लेके चले गए 40 फैक्ट्री रही सब कांग्रेस के, बेच के सब चले गए। हमारे बड़े भैया सुन लो, आप भी बोलिए। अरे बारामंकी क्या है, गांधी आई रहा है एक कपड़ा मिल लगाई नहा आई डी बगल में, 11,000 महिलाओं को नौकरी दी, पैसा ले ले, कहाँ गए फैक्ट्री? चलो हम बता रहे पैसा ले के उन्होंने फैक्ट्री खोली, बंद किसने करा? 10 साल में गवर्नमेंट आई उन्होंने बंद करा दिया। अरे मोदी नहीं, सोनिया गांधी पैसा लेके वही से सब जेब में रख ली और भाग गई फैक्ट्री बंद करके, मालिक भाग गया। आप बताइए आप किसको प्रधानमंत्री चुनना चाह रहे हैं? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। राहुल भैया, राहुल भैया पप्पू है साहब, पप्पू का कहा बताइए। अब रायबरेली आती है तो सिर्फ कांग्रेस को जैसे पिछड़ी है, रायबरेली में बड़े बड़े गड्ढे हैं, राहुल की देन है। कभी रायबरेली आए हैं राहुल? कभी रायबरेली आते हैं? आएंगे, 10 साल बाद आए हैं, 10 साल बाद चुनाव जब आए हैं तो वोट लेने के लिए आए हैं, घंटा ले लिया आपकी, ले लिया घंटा। यहाँ जो है क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं चुना चाहते आप? क्यों नहीं चुना चाहते? पप्पू को कौन चुनेगा? अरे नेता कौन चुनेगा? बाहर बोलेगा, बाहर में गए नेता अपने। अरे मोदी के लिए हम जान दे देंगे, मोदी के लिए, मोदी के लिए जान दे देंगे। वोट क्या चीज है? क्या है मोदी में ऐसा है? मोदी अपने देश के लिए मर रहा है, राहुल गांधी भी तो परिवार के लिए नहीं मर रहा है। राहुल गांधी भी तो मर, राहुल गांधी पप्पू अपने परिवार के लिए मरे, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर रखे हैं। नाम अपने लड़के का पप्पू रखेंगे, आपने अपने बेटे का नाम पप्पू रखा है क्या? किसका? अरे हमारे लिए मोदी है, मोदी रहेंगे, नाम मतलब मोदी रहेंगे, मोदी कभी नहीं जाएंगे। राहुल भैया 4 लाख वोट, अरे हम ऑटो चलाते हैं, नोट कर लीजिए। राहुल भैया 5 लाख वोट से जीत रहे हैं, 5 लाख 5,000 पा जाए तो हम मिलना आ गया। जमानत जब भाजपा जब्त, एक सीट बची थी वो भी आपकी चली जाएगी रायबरेली के लिए। राहुल भैया सपना है देखते रहे, सपना है देखते रहे, कभी पूरा नहीं होगा। मंत्री की गारंटी नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पे मंत्री मोदी है, जब्त होंगे भाजपा की, भाजपा की जब्त होगी। आज परिवारवाद की बात है मोदी का, क्या बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं मोदी, घर में जो है विधायक, घर में जो ब्लॉक प्रमुख, घर में के राष्ट्रपति मोदी के सामने झुकते हैं, ये बोल रहे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति मोदी के सामने झुकते हैं, आज देश जिंदा है तो मोदी को जिंदा है सरकार है। ये भाजपा, तुम भाजपा के नेता हो क्या? नेता नहीं है तो क्या हुआ? हम भाजपा ही हैं, भाजपा ही हो, भाजपा ही हैं। हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकी सरकार क्या दे दिया तुम्हें मोदी ने? हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ दिया उन्होंने। भाई ताली बजा दो, हमें मिले ना मिला कोई कम नहीं, बस देश के लिए। आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, क्यों ताली बजवाया? ताली आपकी बात पे ही बजवाएंगे, इनकी बात पे भी ताली बजा दो, उनको भी लगा। क्या बात करते हो आप? अरे आप वो बात करते हो, आप भी अपनी बात कहिए ना, तो बात इनकी बात पे भी दो बार ताली बजा दो भाई। यहाँ पे जो आपको बताएं, अकेले अकेले भाई साहब बोल रहे हैं, अकेले नहीं है यहाँ पे, चुनाव जो है जनता लड़ती है, चाहे वो अमेठी में हारे हो कांग्रेस, जनता चुनाव लड़ रही है, मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता सर, नोट कर लीजिए आज हमारी बात। राहुल भैया हराएंगे प्रियंका दीदी, राहुल तो पप्पू है भाई,
पप्पू रहेंगे वो, सीधी सी बात है। राहुल गांधी है वो, गांधी का है के राहुल गांधी कहे गांधी बरेली में खड़े हो। यहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र भैया अपने बड़े भाई है, आप वहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हो ना, कभी आते हैं यहाँ वही भाषा बोली जाएगी, बात नहीं बेकार की बात नहीं, आप क्यों आए हैं, बात आप भी तो बोल रहे हैं, आप जनता की राय में आप वही बात कर रहे हो। मोदी कितनी नहीं आते लेकिन मोदी देश को चला रहा है, आज देश के उसी के लिए जिंदा है, देश का सोचा कभी आपने क्या किया उन्होंने, देखिए जनता की राय है, आजकल खासकर बहस तगड़ी बहस कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच तगड़ी बहस के बीच मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। आप इस खबर पे इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा रायबरेली से।